निमाड़ क्षेत्र के दो कांग्रेसी विधायकों के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल होने पर बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक और पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने विरोधी माने जाने वाले ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा के अरुण यादव का नाम लिए बगैर कहा कि ये विधायक कांग्रेस के किसी बड़े नेता के इशारे पर ये सब कदम उठा रहे हैं। अभी और भी विधायक कतार में है लेकिन प्रजातंत्र के लिए अपने सियासी आका के इशारे पर विधायक पद से इस्तीफा देकर मतदाताओं की जनभावना से खिलवाड़ करना ठीक बात नहीं। अरुण यादव ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर विधायक शेरा ने कहा कि इससे पहले भी अरुण यादव सपा में जाने की तैयारी कर चुके हैं लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस के आला नेताओं ने उन्हें मना लिया था। अरुण यादव लगातार चुनाव हार कर थक चुके हैं और अब वे भी पावर चाहते हैं, राज्यसभा में जाना चाहते हैं, लिहाजा हो सकता है कि अरुण यादव कुछ इस तरह का स्टेप ले। खुद के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर विधायक शेरा ने कहा कि मेरा अभी बीजेपी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है और ना ही उन्हें बीजेपी से कोई ऑफर है। ये जो लोग हैं एमएलए जितने भी है वो लोग बड़े नेता की सुनते हैं, उनके हिसाब से सब काम करते हैं और जनता के मान सम्मान को नहीं रखते है। ये अच्छी बात नहीं है। आने वाले समय में ये पद्धति है या परंपरा प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। ये अरुण यादव जी पिछले आपको याद होगा पहले सपा में प्रदेश अध्यक्ष बनने जाने वाले थे, कुछ दिन पहले की बात है, आप लोग की नज़रों में थे। मुलायम सिंह जी के बेटे आए हुए थे मध्य प्रदेश में, उनके साथ अखिलेश यादव जी के साथ उनकी मीटिंग हुई थी भोपाल में, उनके साथ उनका लंच हुआ था, डिनर डिप्लोमेसी हुई थी और उस समय जाते जाते रुक गए थे। हमारे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उनको समझाया था लेकिन कहीं ना कहीं जो भी हो रहा है उससे संबंधित ही हो रहा है, उनको वापस राज्यसभा में जाना है, उनको पावर चाहिए, इससे कोई हकीकत का वास्ता नज़र नहीं आता। लेकिन ये सुरेंद्र सिंह का कॉल है लेकिन मैं अरुण भाई के भी नज़दीक रहा और बहुत ज़्यादा करीब रहने के बाद मुझे तो नहीं अंदाज़ा हुआ कि इस टाइप की कोई बात बनी होगी। ये सियासी एक एलिगेशन है।